हरे कृष्णा क्लास 10। कैसे हैं आप सब लोग? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। जैसे कि आपको पता है कि अब हमारे पास जो है दो टर्म एग्जाम होने हैं, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड, और टर्म फर्स्ट में सारे आने वाले एमसीक्यूज। इसका मतलब हमें जितनी ज़्यादा हो सके उतने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब कहाँ से अगर दिक्कत की बात है, तो जैसे ही सीबीएसई ने अपडेट दिया उसके बाद साइंस और मैथमेटिक्स से ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों ने स्टार्ट करा एमसीक्यूज की सीरीज। आपके टोटल जो है 8 चैप्टर आ रहे हैं और 8 के 8 चैप्टर के जो है हम लोग अप्रॉक्स 50 प्लस एमसीक्यूज यहाँ पर करने वाले हैं, और सारे एमसीक्यूज जो है बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज आपके आरडी शर्मा, आपके एनसीईआरटी एग्जामिनर, आपके एनसीईआरटी और लास्ट 10 ईयर से इकट्ठे करके जो है मैंने तैयार करा है, तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो डाली थी 50 प्लस एमसीक्यूज, आप लोगों ने काफी पसंद किया और काफी बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल के एमसीक्यूज, ये भी 50 के आसपास ही एमसीक्यूज रहने वाले हैं, और ये सेम वही एनसीईआरटी एग्जामिनर, आपके एनसीईआरटी, आरडी शर्मा और लास्ट ऐसे इकट्ठे करके जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना सारे क्वेश्चन। अगर जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं यहां पर जो क्वेश्चन टफ है जिसमें कोई कॉन्सेप्ट रह रहा हो तो वो कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, साथ साथ में क्वेश्चंस को आपको एक बार देखना वीडियो को ना, ऐसे करे हैं जैसे कि ना आपको लगेगा ही नहीं कि टफ क्वेश्चन भी कितने आसान तरीके से आपके सामने रखा जा रहा होगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ना भूलना, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस कर नहीं करेंगे तो ये जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो शायद आपसे मिस हो सकती है, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या है कि आपको पढ़ते कोई डाउट तो आता ही होगा, अगर कोई भी डाउट निकल के आता आपका मैथमेटिक्स में तो उसके लिए आपके लिए सुविधा प्रदान की गई है। हमारे इंस्टाग्राम पे क्या कहते हैं आईडी हमारी ये रही है ना, कोई भी डाउट अगर आपका आता है तो आप फोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या, हमारे पास जितने भी हमारे पास लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो भी इसकी पीडीएफ वगैरह हो गई या कोई भी डेली टास्क वगैरह, हम लोग बच्चों को टेलीग्राम पे सेंड कर रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूरी है कनेक्टिविटी बनाने के लिए आप और हमारे बीच में, हजारों से ज्यादा बच्चे उसमें हमारे पास जुड़े हुए हैं। तो आप भी अगर नए हैं चैनल पे नहीं जुड़े अभी तक और टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, हमारा खुद का एप्लीकेशन भी ज्ञानी कीड़ा के नाम से प्ले स्टोर में, वहां पर भी हमने सारे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप वहां पर भी एक बार चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 के 50 एमसीक्यूज, लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीनोमियल। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चे यहाँ पर जो है झाग फेंक देते हैं, क्योंकि काफी बच्चों को पॉलीनोमियल की डेफिनेशन ही नहीं पता। मैं बता दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पॉलीनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल हमारे पास होता है उसका जो एक्सपोनेंट है, उसकी जो पावर है, वो आपकी क्या होनी चाहिए, वो आपका एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या होता है कि वो हमारे पास जीरो से स्टार्ट होना, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो इनफाइनाइट तक होना चाहिए, उसकी पावर होल नंबर होना चाहिए, और अगर पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलीनोमियल नहीं कहलाता। इसी आपको ध्यान रखनी है। अगर यहां पर मैं बात करूं पहले ऑप्शन में, तो एक्स स्क्वायर है होल नंबर है, एक्स की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, यस ये पॉलीनोमियल है, ये भी एक्स की क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ये भी पॉलीनोमियल है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स ही पॉलीनोमियल है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं क्या बन जाएगा, ये बनेगा एक्स प्लस में और 1 अपॉन पे एक्स है। तो जब आपको पता है जब कोई नीचे कुछ नहीं पावर 1 लगा सकते, जब नीचे की चीज ऊपर जाती है तो माइनस में होती है पावर उसकी, तो एक्स की पावर आएगी माइनस का 1 निकल के, और हम लोग यहां पर देख सकते हैं जो यहां पर वेरिएबल की जो पावर है वो क्या -1, और -1 होल नंबर नहीं होता, -1 क्या है, -1 एक इंटीजर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि ये जो है वो पॉलीनोमियल नहीं कहलाएगा। पॉलीनोमियल के ऊपर आपके लास्ट ईयर में सैंपल में काफी क्वेश्चन बने थे कि किस कौन कौन सा एक्सप्रेशन जो यहां पर जो है पॉलीनोमियल नहीं है, तो आपको क्या देखना है कि कभी भी जो आपके वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो आपका होल नंबर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और तो वो पॉलीनोमियल नहीं होता। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा रूट एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, तो जो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 है ना, रूट एक्स को 1/2 भी लिख सकते हैं, आपको पता होगा, प्लस में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर पावर कैसी हो गई, पावर हो गई आपका एक रेशनल नंबर पे हो गया, कि नहीं फ्रैक्शन पे आ गया, तो ये तो होल नंबर है नहीं, इसका मतलब ये भी पॉलीनोमियल नहीं कहलाएगा। तो कभी भी आपका वेरिएबल नीचे नहीं आना चाहिए और कभी भी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, वो क्या बन जाएगा, वो फिर पॉलीनोमियल कैटेगरी से बाहर चला जाएगा। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन, कह रहा है इफ पी वाई पॉलीनोमियल इन टर्म ऑफ वाई, दे रखा ये
देन पी माइनस वन आपको निकालना कि पॉलिनोमियल के अंदर माइनस वन पुट करें तो कितना निकल के आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पी माइनस वन का मतलब ये हुआ जहां जहां पर वाई है वहां वहां पर माइनस वन पुट करना है। तो थ्री इंटू माइनस वन की पावर फोर माइनस है फाइव इंटू माइनस वन की पावर थ्री प्लस में माइनस वन का स्क्वायर प्लस में एट। शुरुआत में काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन लिए गए मैंने चार पांच, उसके बाद धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ता चला जाएगा और लेवल बढ़ता चला जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो माइनस वन की पावर फोर प्लस का वन ही होगा, थ्री मल्टीप्लाई वन आ गया। माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन ही होता है ना, नेगेटिव के ऊपर कभी ऑड नंबर पावर हो तो माइनस ही आता है और इवन पावर हो तो प्लस का आता है, प्लस में एट निकल के आ गया। तो थ्री वन जा थ्री प्लस में फाइव प्लस में वन प्लस में एट पाँच और तीन आठ हो गए, आठ आठ सोलह और एक सत्रह निकल के आ गया, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिना समय बर्बाद के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। जो भी वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है उसको डिग्री बोलते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी हमारे पास थ्री निकल के आ गए, डिग्री कितनी है पॉलीनोमियल की थ्री हमारे पास निकल के आ गई। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। फास्ट फास्ट करना है, आदत डालनी है, ठीक है। और किसी को लग रहा है मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ तो जो है 0.75 स्पीड में करके देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, जल्दी नहीं कराने हैं, है ना। और अगर हम टाइम वेस्ट ना करके, मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना ना, वही कंटेंट देना जो कि आपका आपके लिए नीड है ना। टाइम वेस्ट करने से क्या होगा, आपका भी समय बर्बाद होगा और मेरा भी होगा ही होगा, इसलिए हम फास्ट फास्ट करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट बात होगी बताने लायक वो मैं बताई दूंगा बीच में। द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फोर लिव्स द सेम रिमाइंडर। ओके, अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा चांद लगे शुरू हो गए, है ना। तो ए की वैल्यू बतानी है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये दो पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल ये है और एक पॉलिनोमियल ये है, अगर मैं इसको x माइनस फोर से डिवाइड करता हूँ तो दोनों का सेम रिमाइंडर निकल के आएगा। और आपको पता है रिमाइंडर निकालने का एक तरीका क्या होता है, रिमाइंडर निकालने का तरीका ये होता है जो यहाँ से वैल्यू निकाली है, यहाँ से वैल्यू निकाली है, रिमाइंडर थ्योरम से क्या बताया था नाइन्थ क्लास में, x कितना आ गया फोर निकल के आ गया। अगर मैं x की वैल्यू फोर पुट करूँ यहाँ पर तो इसका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर भी x की वैल्यू फोर पुट करूँगा तो उसका भी रिमाइंडर निकल के आ जाएगा, और दोनों का रिमाइंडर सेम सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, ए ठीक है फोर की पावर थ्री प्लस में थ्री मल्टीप्लाई फोर का स्क्वायर माइनस में थ्री जो है जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो बराबर होगा टू मल्टीप्लाई फोर की पावर थ्री माइनस फाइव मल्टीप्लाई फोर और आपका प्लस में ए निकल के। बोलो बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी क्या हुआ इसका मतलब। जैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू फोर पुट करी तो ये क्या आएगा, रिमाइंडर निकल के आएगा, रिमाइंडर निकल के आएगा, और ये भी रिमाइंडर निकल के आएगा, दोनों का रिमाइंडर सेम सेम है तो ये निकल के आ गया, है ना। अब हमें ए की वैल्यू बतानी, सॉल्व करते हैं। फोर की पावर थ्री होता है 64, तो 64 ए हो गया, और फोर का स्क्वायर होता है 16 थ्री जा 48 माइनस में थ्री इज इक्वल टू फोर की पावर थ्री 64 टू जा 128 होता है, माइनस में फाइव हो जा 20 प्लस में ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके क्या करना है, 64 ए 48 में से 3 गया 45 निकल के आएगा, 128 में से 20 गया 108 और प्लस में ए। अब ए वाले भाई साहब एक तरफ बाकी उस तरफ, 64 ए माइनस में ए इज इक्वल टू 108 माइनस में 45, ठीक है 63 ए निकल के आएगा। अब 8 में से 5 का 3 आएगा ये 63, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 63 अपॉन में 63, 3 से 3 काटो 6 से 6 काटो ए कितना आ गया 1 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5, ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर इतना, कह रहा है हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है उनके जीरोज का सम दे रखा है 2 और उसके जीरोज का प्रोडक्ट दे रखा है 15, मतलब क्या दे रखा है हमें, सम ऑफ जीरोज दे रखा हमें 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हमें कितना 15 दे रखा है। तो कह रहा है वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होगा, तो बहुत सिंपल, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस है ना, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स ऑफ फिर प्लस में क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस तरीके से जो है अगर हमें सम ऑफ जीरोस पता हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो, तो हम लोग पॉलीनोमियल बता सकते हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस कितना है 2 है इनटू पर एक्स प्रोडक्ट कितना है 15, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 15 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। If one zero of the quadratic polynomial is 5/2, then other zero क्या होगा? ध्यान से सुनना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अगर आपका एक जीरो दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का कितना
5/2 आपको दे रखा है, तो आपको दूसरा जीरोस पूछ रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता सम ऑफ जीरोस, अल्फा मान लो अल्फा और बीटा जो है ना जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, वो होता है माइनस का बी अपॉन पे निकल के आता है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी क्या है हमारे पास माइनस का एट है, तो माइनस तो था ही साथ में माइनस का एट आ गया अपॉन पे, और ए कितना हमारे पास टू निकल के आ गया, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है आपका वो फोर निकल के आएगा। एक जीरो दे रखा है 5/2, तो अल्फा दे रखा है 5/2 प्लस में बीटा इक्वल टू फोर हो गया, तो बीटा आ जाएगा 4 माइनस में 5/2, 1 लगाएंगे तो बीटा कितना गया 4 2 8 माइनस 5/2, तो बीटा की वैल्यू आ गई 3/2 निकल के, जो कि है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ समझ में आया कैसे करना है, तो जब भी कभी आपको दे रखा होगी एक जीरो दे रखा दूसरा निकालिए, तो आपको क्या करना है, आपको सम ऑफ जीरोस का इस्तेमाल अधिक करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बोलता है एम की वैल्यू निकालिए, तो एम किस में आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सी अपॉन एम आएगा ना, एम क्या सी है, तो अल्फा इंटू बीटा करके भी आप निकाल सकते हो। 7 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अब लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई बच्चा अगर यहाँ पर फाउंडेशन की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, NTSC फाउंडेशन ओलंपियाड वगैरह जितने भी तमाम एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। चैप्टर में से ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए फाउंडेशन वगैरह का, आपको सेम ऐसा ही पेपर देखने को, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जैक्ट देखने को यहाँ से मिल जाएगा। इसलिए कोई बच्चा अगर प्रिपरेशन कर रहा है अपना कॉम्पिटेटिव तैयारी की, तब वो भी आराम से कर सकता है, इसका फायदा उठा सकता है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ध्यान रखना, जब कभी भी आपको ना ऐसे एक्सप्रेशन पे आंसर निकालना हो ना, तो हमको सिर्फ दो वैल्यू को ध्यान रखना है। आपको पता हमें सिर्फ दो चीज पता है, क्या क्या पता है हमें, या तो अल्फा प्लस बीटा पता है, या फिर अल्फा इंटू बीटा, हम केवल दो ही वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो हमने क्या करना, जो भी हम लोग को एक्सप्रेशन दे रखा होगा, तो हमें कोशिश करना है कि ये टूट जाए अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा पे। क्या कह रहा हूँ ध्यान सुनना, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यहाँ पर ए कितना हमारे पास 1 है, बी कितना माइनस का 1 है, और सी कितना हमारा माइनस का 4 है, तो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस का बी कितना माइनस का 1 अपॉन ए कितना 1, जो कि आगे आपका 1, तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा आपको 1 दे रखा है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन पे, तो माइनस 4/1 कितना आ गया, माइनस का 4 निकल के आ गया। तो ये दो वैल्यू आपको पता, और इन्हीं दो को यूज करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू, 1/ अल्फा प्लस में 1/ बीटा माइनस में अल्फा इंटू बीटा। अब इस तरह के क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो ये है कि आप इसके जीरोज निकाल लीजिए, आपने क्या करा, इसका अल्फा और बीटा निकाल लीजिए। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा जीरोज होता है, आपने अल्फा निकाल लिया और बीटा निकाल लिया, और उसकी वैल्यू पुट करके यहाँ पर रख दीजिए। लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है कि आप लोग उसके जीरोज निकाल पाओ, तो जब इसलिए कह रहा हूँ कि वो मेथड काम ज़्यादा नहीं आएगा, आपको मैक्सिमम इसी मेथड काम करना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, बीटा इंटू 1 हो गया बीटा, अल्फा इंटू 1 हो गया अल्फा, नीचे आ गया अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से माइनस में अल्फा इंटू बीटा, थोड़ा ठीक करके लिखेंगे तो आएगा अल्फा प्लस में बीटा अपॉन पे अल्फा बीटा माइनस में अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो मैंने क्या करा, इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने इस फॉर्म पे तोड़ लिया, अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा, सब में यही कर रहे होंगे हम, ध्यान रखना। तो अब अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस सॉरी 1 है, तो 1 अपॉन पे अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 4 है, माइनस में कितना आएगा 1 अपॉन पे माइनस का 4, ठीक है। तो माइनस 1 अपॉन पे 4 माइनस माइनस कितना हो गया, एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हुई है मेरे ख्याल से, अल्फा इंटू बीटा हमारा, अच्छा सॉरी है ना, ये एक मिनट जो गलत हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये लो, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 1 है ना, अल्फा इंटू बीटा माइनस 4 हो गया, फिर अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, माइनस का 4 निकल गया इस तरीके से। तो माइनस 1 अपॉन पे 4 माइनस माइनस प्लस का 4 होगा, नीचे 1 लगा देंगे, तो माइनस का 1 प्लस में 16 अपॉन पे 4 निकल के आएगा, जो कि होगा आपका 15 अपॉन पे 4 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये जो वाली बात कही है मैंने, हम केवल दो ही चीज को यूज कर सकते हैं, या तो सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट, तो जो भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा हम इसी फॉर्म पे तोड़ने की कोशिश करेंगे। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है द वैल्यू ऑफ के सच दैट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस हैज सम ऑफ जीरोस एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। कह रहा है जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरो जो है वो हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है 1/2 है अल्फा इंटू बीटा के। अब आपको पता है यहाँ पर अगर देखूँ, ठीक है, अगर कंपेयर करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से, तो ए कितना आ गया, ए आ गया आपका 1, बी कितना आ गया, बी आ गया माइनस में के प्लस में 6, और सी कितना आ गया, सी आ गया 2 × (2k+1) निकल के आ गया इस तरीके से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आपको के केवल निकालिए। अब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का बी, माइनस बी कितना हमारे पास, बी हमारे पास माइनस का के प्लस में 6 अपॉन पे ए, ए कितना हमारे पास 1 है, बराबर में 1/2 अल्फा इंटू बीटा होता सी अपॉन ए, सी कितना है 2 × (2k+1), ठीक है, अपॉन पे ए कितना 1 हमारे पास दे रखा है, सही है, ओके माइनस 1 प्लस, तो के प्लस में
के प्लस में 6 बराबर में हो जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 के प्लस में 1 निकल के आ गया, तो 6 माइनस में 1 इक्वल टू हो गया 2 के माइनस में k हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू k, और वी कैन से दैट k इज इक्वल टू 5 निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको बस क्या ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए, बाकी इसमें हम सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो क्या कहते अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो लाइक करना जरूर चलना वीडियो को, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, और अपने सारे फ्रेंड में शेयर करना, जो कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो इस बार बोर्ड देने वाला, जो भी क्लास 10 में, सबको दबा के शेयर करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस में अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 4। तो वही दो तरीके हैं, या तो आप अल्फा बीटा निकाल के कर लीजिए, या फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ब्रेक कीजिए। तो पहला वाला तरीका जो मैंने कहा समय काम नहीं करता, तो हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, आपको पहले यहाँ निकाल लो, पहले आपको होता है अल्फा प्लस बीटा यूज होगा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए, बी कितना हमारे पास माइनस का 4 है, ए कितना हमारे पास 1 है, तो आएगा प्लस का 4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, वो होता है आपका सी अपॉन पे, तो आ गया कितना सी 3 अपॉन में ए, तो कितना का 3 निकल के आ गया, तो दोनों निकाल ली मैंने। अब क्या करें इसमें, देखो यार अब यहाँ पर भी अल्फा बीटा ना झुंड सा बना हुआ है, कॉमन कर लेते हैं, कितना कॉमन करें, अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3 कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ बचा अल्फा यहाँ बचेगा बीटा, अरे वाह कितना मजा आ गया। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा की पावर 3 और ये आ गया अल्फा प्लस में बीटा। देखो हर एक्सप्रेशन हम लोग इसमें ब्रेक कर सकते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, 3 दे रखा है, तो 3 की पावर 3 और अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है, मल्टीप्लाई बाय 4, 3 की पावर 3 27 मल्टीप्लाई बाय 4 जो है आपका वो 108 निकल के आता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताने क्वेश्चन कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। If the polynomial this and this leave the same remainder when divided by x minus 2, अभी कराया था क्वेश्चन, then the value of a क्या होगा? अगर हमारे पास दो polynomial है, एक ये और एक ये, और इसको अगर हम x minus 2 से divide करते हैं, same remainder आता है। Remainder कैसे निकलेगा? मैं यहाँ से x cube निकालूँगा, x minus 2 बराबर में 0 कर दिया मैंने, x cube कितने आ गए 2 निकल के आ गई। एक्स क्यूल 2 में अगर यहाँ पुट करूँ रिमाइंडर आएगा, यहाँ भी पुट करो रिमाइंडर आएगा, इसका दो रिमाइंडर सेम सेम है, तो 2 पुट करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस में a मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई एक्स 2 है हमारे पास माइनस 5 इज इक्वल टू आएगा 2 की पावर 3 प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और आएगा प्लस में a निकल के, सही है। अब ये 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, ठीक है, तो 2 इंटू पर 8 हो गया, और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 a प्लस में 6 माइनस में 5 इक्वल टू हो गया 8 प्लस में 4 माइनस में 4 प्लस में a, अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब आएगा 8 टू 16, ठीक है, और प्लस में 4a 6 में से 5 गया 1 इक्वल टू आएगा 8 प्लस में a, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 16 प्लस 1 कितना 17, तो 17 प्लस में 4a माइनस में a इज इक्वल टू 8 हो गया, 3a इज इक्वल टू आ गया 8 माइनस में 17, 3a इज इक्वल टू आएगा मेरे ख्याल से 9 माइनस का a आ गया माइनस का 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये हमारे पास आएगा, आपको पता चल गया क्वेश्चन कुछ रिपीट हुआ, कैसे रिपीट हुआ, यहाँ पर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो जब भी डिवाइड क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, उसके अंदर दोनों का सेम रिमाइंडर है, उसके अंदर वैल्यू को इक्वेट करके आंसर निकाल सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 11 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस इज क्या हो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इसका फैक्टर क्या होगा, क्या ये होगा, क्या इसका फैक्टर ये होगा, या हम बता ही नहीं सकते, या इनमें से कोई सा नहीं होगा। अभी चेक करते हैं, यहाँ पर बोला गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखा है सी स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर, है ना, और माइनस में 4ABCD लिखा हुआ है। अच्छा ध्यान सुनना कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर आएगा, माइनस में बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर आएगा, माइनस में 4ABCD आएगा, सही है, आएगा ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस में 4ABCD निकल के आएगा। बोलो बात समझ आई, यस आ गई होगी, ठीक है। अब क्या करें, आप क्या करें, आप ना बहुत सिंपल तरीका है यार, एक बार बताओ, एक बार बताओ, अगर एक काम करता हूँ मैं ना, ये माइनस माइनस प्लस वाले एक तरफ कर लेता हूँ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डी स्क्वायर करा मैंने, माइनस में ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर करा, अपना ये 4ABCD है, अब यहाँ पर ए भी है सी भी, अच्छा एक काम कर सकते हैं, इसको ना ब्रेक करता हूँ मैं, कैसे ब्रेक करा मैंने, 2ABCD माइनस में 2ABCD, अब एक हिस्सा दे देते हैं इसको, एक हिस्सा देते हैं इसको, देखते हैं क्या बनता है, ये बना हमारे पास a का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस में 2ABCD, फिर बनेगा माइनस में एक माइनस, इन तीनों में माइनस कॉमन कर लेते हैं,
तो बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस में टू ए बी सी डी बनेगा इस तरीके से। बात समझ आई? अब ये क्या बन गया, या ध्यान देखो, इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, ए सी का होल स्क्वायर प्लस में बी डी का होल स्क्वायर माइनस में टू मल्टीप्लाई बाय ए बी और सॉरी ए एक मिनट टू मल्टीप्लाई बाय ए सी है ना और इंटू पर बी डी इस तरीके से माइनस सेम काम यहाँ पर कर सकते हैं ए डी का होल स्क्वायर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर और प्लस में टू इंटू पर ए डी इंटू पर बी सी। बोलो बात समझ में आई? आ गई होगी। अब ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया ये ए सी माइनस में बी डी का होल स्क्वायर और माइनस में क्या बन गया, ये बन गया ए डी माइनस ए डी प्लस में बी सी का होल स्क्वायर निकल के आ गया। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बन गया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका मतलब एक बार प्लस में करेंगे तो ए सी माइनस में बी डी है ना और उसके प्लस में और प्लस में ए डी प्लस में बी सी, एक तो ये निकल के आ गया ठीक है और एक बार करेंगे माइनस में, माइनस में कैसे आएगा ए सी माइनस में बी डी माइनस में ए डी माइनस में ए सी निकल के आएगा। तो ये दो में टूट गया। अब चेक करो कुछ मैच कर रहा है क्या, मैच कर रहा है क्या ए सी है ना, कुछ मैच कर रहा है इसमें से, एक बार प्लस में है ना, एक बार प्लस में कर दिया हमने हाँ और एक बार कर दिया माइनस में ठीक है, माइनस का ए डी माइनस का बी सी है ना, ये बी सी बी सी बी सी ये बी सी है ना। अब चेक करो कुछ मैच कर रहा है क्या, ए सी माइनस बी डी प्लस में बी सी, यस यस यस, ए सी प्लस का ए डी प्लस का, ए सी प्लस का ए डी प्लस का बी सी प्लस का और बी डी माइनस का, यस। इसका मतलब हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया ये आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये क्या हो गया उसका फैक्टर हो गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसे किया। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना, आपको बड़े आराम से सॉल्व समझ में आ जाएगा ठीक है। अगर मान के चलो हम लोग ब्रेक नहीं करते है ना, अगर हम लोग ए बी सी डी है ना, हाँ तो करना ही पड़ता है ठीक है। ओके नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ 10 ऑफ द पॉलीनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ओए होए होए, कह रहा अगर एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, कहने का मतलब कि अगर एक जीरो मैंने माना है अल्फा तो दूसरा होगा उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा, तो ये आएगा दो जीरोस। अब आपको जब भी ऐसे आपको जब भी क्वेश्चन ऐसे है ना कि रेसिप्रोकल है तो उसमें हमेशा प्रोडक्ट का यूज करा करो, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या होता है ना, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारे पास सी अपॉन पे ए निकल के आता है, अल्फा इंटू पर 1/ अल्फा, सी कितना है, सी दे रखा कितना बताओ, सी हमारे पास कितना है, सी दे रखा है 4k है ना, तो 4k अपॉन पे ए कितना है, ए दे रखा है के स्क्वायर प्लस में 4 दे रखा। बोलो बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी। अब ये 1 हो गया, क्या बन जाएगा के स्क्वायर प्लस में 4 इज इक्वल टू बन गया 4k, तो आ जाएगा के स्क्वायर माइनस में 4k और प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, ये बन गया क्या के माइनस में 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 0 और यहाँ से के निकल कितने आगे 2 निकल के आ जाएगी, जो कि है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस सच दैट अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 जीरो के बराबर तो सी की वैल्यू क्या होगी। ओके क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहा है अल्फा प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस में 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। मैंने कहा जब भी ऐसा कोई इक्वेशन दे रखा हो उसे कन्वर्ट करना अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा में, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस में 1 इक्वल टू 0 हो गया, क्या बना अल्फा इंटू बीटा प्लस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो बन गया ये अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस में 1। अब वैल्यू आपको पता ही है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन पे ए, क्या होता है ना, उससे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ी सी गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है। क्वेश्चन जो है इसको हम और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर माइनस में और पी एक्स माइनस में पी माइनस में सी है ना, एक्स के साथ वाला बी होता ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस में पी एक्स ठीक है माइनस कौन कर लो पी प्लस में सी, ये आपका आएगा एग्जैक्ट पॉलीनोमियल जो निकल के आना है ना, ये हाँ ये आएगा आपका पॉलीनोमियल
हमने कांस्टेंट एक तरफ कर लिया, यहाँ पर पी वन जब पी ना एक्स्ट्रा दे रखा था फालतू में, तो हमने कांस्टेंट साथ कर दिया पूरा। तो अब बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस में बीटा होगा माइनस का बी अपॉन पे, माइनस बी कितना हमारे पास माइनस का पी अपॉन ए कितना वन, जो कि आगे आपका पी निकल के, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन पे, है ना, तो माइनस ये हो गया अपॉन पे ए कितना हो गया वन दे रखा है, तो वैल्यू पुट कर दो तो आएगा अपने पास माइनस का पी प्लस में सी आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया पी निकल के, प्लस में वन इक्वल टू जीरो हो गया, माइनस का पी माइनस सी प्लस में वन इक्वल टू जीरो, इससे खत्म हो गया, तो सी इक्वल टू कितना आ गया वन निकल के आ गया, सी वहाँ चला गया, सी कितना गया वन निकल के, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे आपको तो आपको क्या करना, ब्रेक करना पड़ेगा, दो कंडीशन पता में अल्फा प्लस बीटा आइदर अल्फा इंटू बीटा। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर, ओहो ध्यान सुनना, If the sum of the square of zeros of the quadratic polynomial is 40, then the value of k क्या होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मान चलो हमारे पास अल्फा और बीटा जीरोज है, अल्फा एंड बीटा जीरो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज, मतलब स्क्वायर जो जीरोज है उसके स्क्वायर का सम जो है वो आपको 40 दे रखा है, ये गिवन है, तो कह रहा है के की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपको बताना है। ओके, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था अगर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 दे रखा है, हमें केवल दो वैल्यू पता है, या तो अल्फा प्लस बीटा पता है या अल्फा इंटू बीटा पता है, अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमें पता नहीं है। हम क्या करते हैं, काम करते हैं ना, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, एक काम करें प्लस में 2 अल्फा बीटा लिख लेते हैं, अब जो भी हमने ऐड किया है उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, इक्वल टू 40 निकल के आ गया। ठीक, अभी मिलकर क्या बन गया, ये बन गया अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, चेक करो। अब हमने जो है इसको ब्रेक कर दिया अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में, तो जब भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे नोट करके लिख लो आप इसको इस तरह से ब्रेक करोगे। अब यहाँ पर वैल्यू निकालो, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन पे होता है, माइनस बी कितना है माइनस का 8 अपॉन ए कितना 1, तो आगे आपका प्लस का 8, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन पे, तो सी कितना है के अपॉन में ए कितना 1 है, तो के निकल के आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, के आ गया इक्वल टू कितना हो गया 40 निकल के आ गया, तो 64 माइनस में 2 के इज इक्वल टू 40 आ गया, माइनस 2 के इज इक्वल टू 40 माइनस 64 माइनस 2 के इज इक्वल टू माइनस का 24, देन के इज इक्वल टू प्लस का 12 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। के के लिए कितना है कि 12 निकल के आ जाएगा, बोलो बात समझ में आई या नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ हमें हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ही ब्रेक करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 4x, है ना, कट एक्स एक्सिस एट दिस दिस एंड दिस, तो जीरोस क्या होंगे, कह रहा है जो ग्राफ जो भी ग्राफ बनेगा वो ना 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पे इस पे इस पे, जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है ग्राफिकल देखा जाए कि उसको एक्स में कितनी बार कट कर रहा था, एक्स की वैल्यू क्या, ये एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू है और ये भी एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू तो जीरोस होते हैं, इसका जीरोस क्या आएगा माइनस का 2.0.2 जो है आपके जीरोस आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जीरोस का मतलब क्या होता है कि उसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, मतलब एक्स की कितनी वैल्यूज है, तो इस 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तीनों पॉइंट के एक्स की वैल्यू जीरोस कहलाएंगे, तो माइनस का 2.0 और 2 क्या होगा, जीरोस निकल के आएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना, द ग्राफ ऑफ द पॉलीनोमियल px कट x एक्सिस एट 2 प्लेस, हमारे पास क्या है जो ग्राफ है पॉलीनोमियल वो x को दो बार कट कर रहा है और 4 प्लेस में टच कर रहा है, तो कह रहा है कितने जीरोस होंगे, 4 प्लेस में टच कर रहा है, 2 में कट कर रहा है, 4 प्लस 2 6 बार जो है x के ऊपर जो वैल्यू दे रही होगी, तो इसका ना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 17 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, कह रहा है अगर सम ऑफ जीरो जो है वो प्रोडक्ट के बराबर है तो आपको के की वैल्यू बतानी है। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन पे होता है, ठीक है, माइनस का बी कितना है 2a, कितना है के हमारे पास, और अल्फा इंटू बीटा कितना सी अपॉन ए, सी कितना हमारे पास सी दे रखा है आपको 3k अपॉन ए कितना हमारे पास के दे रखा है, बोलो बात समझ में आई, यस आ गई होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, तो माइनस 2 अपॉन पे के जो है आपका 3k अपॉन में k बराबर है, k से k कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारे पास 3k इज इक्वल टू माइनस का 2k, आ गया हमारे पास माइनस का 2 अपॉन में 3, जो कि है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी चैप्टर है ना, छोटा चैप्टर है, छोटे चैप्टर में से 50 क्वेश्चन निकालेगा, मतलब क्या, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बार 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 सेम कॉन्सेप्ट बनेंगे, और सेम कॉन्सेप्ट अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे एक ही क्वेश्चन की, वो दिमाग में उसके संस्कार बन जाएंगे और फिर बहुत ही अच्छी जो है मेमोरी क्रिएट हो जाएगी आपको इस क्वेश्चन को लेकर और एग्जाम में फोड़ पाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 18 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कितना होगा, बहुत ही अच्छा, ध्यान सुनना,
कह रहा था जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होगा, इसके जीरोज कैसे होंगे, है ना। अब ये एक तरीका तो जीरोज निकाल लो पहले फिर बता दो कैसा होगा, ऐसा हम कर नहीं सकते। तो जीरोज के कैसे होंगे इसके हमें बताना पड़ेगा, दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या बता नहीं सकते। चेक करते हैं, ये बताते हैं हम लोग हमेशा ना अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा से। आपको पता है अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है, वो होता है माइनस का बी अपॉन पे, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा आपका माइनस का 50 अपॉन में, कितना आपका 100 निकल जाएगा। मतलब अल्फा प्लस में बीटा जो है आपका क्या रहा है, अल्फा प्लस में बीटा आपका निकल के रहा है माइनस में 1 अपॉन में 2, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ने पर आपकी क्या आ रही है, एक नेगेटिव वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे चलते हैं। आपको होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा तो सी अपॉन पे, सी कितना है 99 अपॉन ए, कितना आपका 100 निकल के आएगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आपका, वो आपका आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू। ध्यान सुनना, अल्फा अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ध्यान सुनना, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो अगर दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू का एक ही मतलब होता है, अगर भाई हम दो चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये होता है, या तो दोनों नेगेटिव हो, या दो नेगेटिव हो, या फिर दोनों पॉजिटिव हो, है ना। तो या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे। ध्यान सुनो, तो ये ऑप्शन कट हो गया, या दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव। अब कैसे पता लगेगा एग्जैक्ट, वो पता लगेगा इस वाले से। अब आपको क्या कर रहा है, दोनों को ऐड करके आंसर आ रहा है माइनस 1.2, दोनों को जोड़ने पर आंसर आ रहा नेगेटिव, दोनों को जोड़ने पर आंसर आ रहा नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ। और आपको पता दोनों पॉजिटिव हो नहीं सकते, दोनों प्लस वाले साइन नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि अगर दोनों प्लस के होंगे भाई अल्फा इंटू बीटा जो है प्लस का निकल के आ रहा आपका, और अगर दोनों प्लस के होंगे तो दोनों प्लस वाले को ऐड कर रहे हो माइनस 1.2 नहीं आना चाहिए। तो अगर दोनों को प्लस करने माइनस 1.2 आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ यही पता चला कि हमारे दोनों जीरोस कैसे होंगे, दोनों जीरोस नेगेटिव होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नहीं समझा कोई बात नहीं, एक और बार बताता हूं, ध्यान सुनना, एक और बार बताता हूं मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जिसको समझ में आ गया थोड़ा आगे स्किप कर दे, जिसको नहीं आया दोबारा सुने, ठीक। ये दो चीज निकाल ली हमने, यहां पर क्या बोला है, दो ये जीरोज हैं, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अब भाई दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव वैल्यू तभी आती है, या तो दोनों नेगेटिव हो तो कट के आएगा, या दोनों पॉजिटिव हो, इसका मतलब या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों मान के चलो दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब दोनों को जोड़ने पर आंसर फिर नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जीरोस कैसे होंगे आपके, नेगेटिव निकल के आएंगे। बात समझ में आ गई, यस। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर ये चैप्टर नंबर 4 में पूछा गया होता तो आप यहाँ पर नेचर ऑफ द रूट के माध्यम से भी निकाल पाते, तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 19 आपके स्क्रीन के ऊपर, If alpha and beta are the zeros of the polynomial this, such that alpha minus beta दे रखा 1, अगर difference दे रखा 1, तो कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा सही होगा, आपको बताना है। अच्छा यार एक बार बताओ, अल्फा और बीटा निकालना तो पड़ेगा ना हमें, हमें पता है अल्फा प्लस में बीटा कितना होता है, वो माइनस बी अपॉन ही होता है, बी कितना आपका माइनस का 5, ए कितना 1 है, इसका मतलब कितना आपका अल्फा प्लस में बीटा जो है आपका वो प्लस का 5 निकल के आ गया क्वेश्चन 1, और अल्फा माइनस बीटा दे रखा आपको 1, ये गिवन है क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 हो गया, तो यहां से निकालेंगे, ये खत्म हो गया। 2 अल्फा आ गया कितना 6 आ गया, अल्फा कितना आ गया 3 निकल के आ गया। अगर अल्फा 3 है यहां बताओ कितना आएगा, 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5 आ गया, बीटा कितना आ गया 2 निकल के आ गया। अब देखो किसको सेटिफाई कर रहा है, अल्फा इंटू बीटा 6, तो 3 टू 6, यस ये ठीक है, ठीक है ये ठीक है। अल्फा स्क्वायर, और ये एक मिनट रुकना, ये ना साइन ना गलत लग गया, यहाँ प्लस का साइन है, ठीक कर लेने से। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर कितना आ गया 9, बीटा स्क्वायर कितना आ गया 4, 9 प्लस 4 13, यस ऑप्शन बी भी सही है। k इक्वल टू 6 निकल के आया, चेक करते हैं, अब k 6, k क्या है c में है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना का c अपॉन a निकल के आता है, c अपॉन a, c कितना k अपॉन a कितना 1 है, अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया k, तो k कितना गया 6, यस ये भी सही है। इसका मतलब क्या होगा, आंसर होगा ऑल ऑफ दिस आर ट्रू, क्वेश्चन बोला गया था कौन सा सही होगा, ठीक है। तो तीनों चीज, तीनों कंडीशन क्या सही है, इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस आर ट्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट 20 ईयर आपके स्क्रीन के, ध्यान सुनना, इफ द पॉलीनोमियल दिस is divided by another polynomial इतना and the remainder comes out to be ax plus b, very good, अच्छा question, very good question। कह रहा है एक polynomial है बड़ा सा, उसको डिवाइड कर रहा है एक और पॉलीनोमियल से, तो आपका रिमाइंडर जो है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म पे आ रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कैसे करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, डिवाइड करना पड़ेगा 3x स्क्वायर है ना प्लस में 4x प्लस में 1, ध्यान सुनना 6x की पावर 4 और प्लस में 8x की पावर 3 प्लस में 17x स्क्वायर प्लस में 21x प्लस में 7 डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर को हम 2x स्क्वायर से करेंगे तो 6x की पावर 4 आएगा, 2x स्क्वायर को से करेंगे कितना आएगा 8x की पावर 3 है ना, 8x की पावर 3 आएगा और प्लस में आएगा आपका 2x का स्क्वायर ना, डिवाइड करना सबको आता ही होगा। अब आएगा माइनस माइनस, ऐसे क्वेश्चन डिवाइड करना अनिवार्य है,
वरना आंसर आएगा ही नहीं, ये आएगा 15x² और प्लस में 21x प्लस में 7 आ गया। तो 3 5 जब 15 होता है तो आ गया 15x² और 5 जब 20x और 5 5 आ गया, सही है। ये आ गया आपका माइनस, ये आ गया माइनस और ये आ गया माइनस, ये खत्म, ये कितना आ गया x और फिर प्लस में 2 निकल के आ गया ना, x प्लस 2 आपका रिमाइंडर आ गया। इसने बोला रिमाइंडर जो ax प्लस बी के फॉर्म पे आएगा, मतलब x प्लस 2 जो है वो ax प्लस बी के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन कंपेयर करना पड़ता है, कुछ नहीं वन लगा सकते हैं, कंपेयर करो x के साथ a है तो x के साथ क्या है 1 है, तो a के लिए कितना के 1 आ गई, प्लस 2 और प्लस b तो b कितना आ गया 2 निकल के आ गया, a 1 है और b 2 है, a 1 है और b 2 है, ऑप्शन नंबर b इज द राइट आंसर, a के लिए कितनी आ गई आपकी 1 निकल के आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर कंपेयर करना पड़ेगा और वहां से हम बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएंगे तो हम ऐसे ही करेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर रिमाइंडर कंपेयर करेंगे। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इफ अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस, अल्फा और बीटा जो है इस पॉलीनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है, एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और आपको पता अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो आपको 144 दे रखा है, तो कह रहा है पी की वैल्यू बताने क्या होगी। मैंने आपको कहा था हम दो ही चीज बता सकते हैं, या तो अल्फा प्लस बीटा यूज कर सकते हैं या फिर अल्फा इंटू बीटा यूज कर सकते हैं, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अल्फा बीटा में, और सिंपल सा है अल्फा प्लस में बीटा का जो होल स्क्वायर होता है ना, ये बहुत बच्चों को पता भी होगा, वो अल्फा माइनस में बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 4 अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है। चेक करके देखना, एक्सपेंड करके वही निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4 ए बी के बराबर होता है, एक्सपेंड करके देखना इक्वल निकल के आएगा। तो ये होगा अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर जो है आपका निकल के आ गया, अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया कहिए देखा 144 प्लस में 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है सी अपॉन ए 45 अपॉन 1 कितना का 45 निकल के आएगा, तो होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 45, बहुत सिंपल तरीके करा रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है आपका निकल के आएगा 144 प्लस में 4 5 20, ठीक है, 4 4 16 17 18 180, तो आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए माइनस पी अपॉन वन, तो आएगा माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 8 4 12 324, और पी का स्क्वायर आ गया 324, और पी कितना आ गया पी आ जाएगा आपका प्लस माइनस रूट में 324, और 324 किसका होता है मेरे ख्याल से 18 का होता है, राइट 18 का होता है स्क्वायर ना, और 64 01 8 16, ठीक है, यस कितना होगा पी आ गया आपका पी आ गया प्लस माइनस 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये वाली चीज जो है ये वाली बात जो है ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 22 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन था ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस का मतलब क्या कितनी बार टच कर रहा है कट कर रहा है, एक बार यहां पर कर रहा है एक बार यहां पर कर रहा है, तो कितना होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 24 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है इफ एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी गिवन दैट 2a - 3b = 4, ये इसका फैक्टर का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू पुट करूंगा इसमें तो रिमाइंडर जीरो आएगा ना, फैक्टर का मतलब क्या होता है, क्या मैंने पूछा क्या 2 जो है 6 का फैक्टर है, यस 2 3 6 कितना है 0, रिमाइंडर 0 आ जाता है, फैक्टर का मतलब होता है, और रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए माइनस 1 आ गया, और ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए रिमाइंडर आ जाएगा, कितना आएगा 0 निकल के आएगा, तो 2 - -1 की पावर 3 प्लस में a - -1 का स्क्वायर प्लस में 2b - 1 प्लस का 1 कितना आएगा 0 निकल के आएगा, तो आएगा माइनस का 1 और प्लस में -1 का स्क्वायर आएगा 1, ये आएगा माइनस में 2b प्लस में 1 = 0 निकल के आ गया, तो आएगा माइनस का 2 प्लस में a माइनस में 2b प्लस में 1 = 0, और माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1 होता है ना, तो a माइनस में 2b और प्लस माइनस का 1 = 0, अब a इक्वल निकालना है यहाँ से, कितना आएगा 2b प्लस में 1 जो है आपका a निकल के आ गया, और आपको एक इक्वेशन और दे रखी है यहाँ पर, हो गया काम, तो 2a a की जगह लिखेंगे 2b माइनस प्लस में 1 और आएगा माइनस का 3b = 4 हो गया आपका, तो 4b प्लस में 2 माइनस में 3b = 4 हो गया, 4b माइनस में 3b = हो गया 4 माइनस में 2 है ना, तो हो गया b = आ गया आपका 2 निकल के, अगर b 2 निकल के आ गया a कितना आ गया a आ गया 2 4 प्लस 1 = 5, तो a 5 है b 2 है, ऑप्शन नंबर c इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर है आप लोगों के लिए। नाउ चलते हैं नेक्स्ट 25 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, Which of the following graph has more than 3 distinct root? इन में से किसका 3 से ज्यादा रूट है,
तीन से ज्यादा देखो, एक दो तीन चार, और चार तीन से ज्यादा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 26 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, हैज सम ऑफ जीरोस एट डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरो जो है वो डबल है किसके, प्रोडक्ट के। तो बहुत सिंपल, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे होंगे, अल्फा प्लस में बीटा होता है माइनस का बी अपॉन पे, माइनस बी कितना हमारे पास, माइनस का के प्लस में सिक्स अपॉन पे ए कितना हमारे पास, ए वन है। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका कितना, के प्लस में सिक्स निकल के। ऐसे अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन पे, तो अल्फा इंटू बीटा आएगा हमारे पास टू मल्टीप्लाई टू के प्लस में वन अपॉन वन, तो रहने दो ठीक है। तो ये हो गया अल्फा बीटा कितना, यहाँ वाली पुट करो के प्लस सिक्स आएगी, तो के प्लस में सिक्स इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, तो टू इंटू टू के प्लस में वन आएगा, तो हो गया के प्लस में सिक्स इज इक्वल टू हो गया फोर इंटू टू के प्लस में वन, तो हो गया के प्लस में सिक्स इज इक्वल टू जाएगा एट के प्लस में फोर, तो होगा अपने पास सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू एट के माइनस में के, तो होगा टू इज इक्वल टू एट के और सेवन के सॉरी, और हम बोल सकते हैं कि कितना के आ गया टू अपॉन बाय सेवन, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 27 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोज हैं, हमें फाइंड अ पॉलीनोमियल जिसके जीरोज ही हो, तो हमें कैसे पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है इसके जीरोज ही हो। अब पहले काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालो कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना वन अपॉन ए कितना वन, माइनस वन आएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, वो आएगा सी अपॉन ए, तो टू निकल के आएगा। तो ये वैल्यू आपको पता है यूज होंगी होंगी। आपको क्या निकाल, जीरोज क्या दे रखे हैं, टू अल्फा माइनस ए वन, और एक जीरो दे रखा है टू बीटा माइनस वन, और आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज और इंटू एक्स प्लस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारे पास निकल के आता है ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज एक काम करते निकाल दें यहां पर है ना, एक काम करते हैं सम निकाल लेते हैं, सम कितना आएगा, सम ऑफ जीरोज आएगा हमारे पास, सम ऑफ जीरोज निकल के आएगा है ना, जीरोज कितना आएगा, वो आएगा टू अल्फा माइनस ए वन प्लस में टू बीटा माइनस ए वन, जो कि आ गया टू अल्फा प्लस में टू बीटा माइनस में टू, जो कि आ गया, हम टू कॉमन कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस में टू निकल के आएगा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का वन है, तो आएगा टू मल्टीप्लाई माइनस का वन माइनस में टू, जो कि आएगा माइनस का टू माइनस टू इक्वल टू आपका माइनस का फोर निकल के आ जाएगा। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि आएगा आपका 2 अल्फा माइनस वन इंटू पर 2 बीटा माइनस वन ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 अल्फा करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 4 अल्फा इंटू बीटा माइनस में 2 अल्फा माइनस में 2 बीटा और प्लस में 1 निकल के आएगा ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 इंटू अल्फा बीटा माइनस में 2 कॉमन करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस में 1 आ जाएगा। अब वैल्यू यहाँ निकाल दो, रास्ता बना के यहाँ चलते ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास 2 है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस का वन हो गया प्लस का वन, तो आठ प्लस में आठ प्लस दो कितना हो गया, ये हो गया प्लस में आठ, तो दस ग्यारह इलेवन निकल के आ गया। सम आ गया आपका कितना, माइनस का फोर, प्रोडक्ट आ गया इलेवन। अब फॉर्मूले पुट करते हैं, फॉर्मूले पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये था बताओ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है हमारे पास, वो है आपका माइनस का फोर, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का फोर एक्स प्लस में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना निकला अपने पास इलेवन, तो ये आपका आएगा पॉलीनोमियल। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस इलेवन इज द ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको मैंने अभी बताया था कि अगर अल्फा बीटा इसके स्क्वायर है, सम इसके स्क्वायर जीरोज है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है आपको वो दिया हुआ 28, तो के की वैल्यू बतानी है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसे तोड़ सकते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा इज इक्वल 28 दे रखा है। तो आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे निकाल के बताओ, वीडियो को पॉज करके, कि के की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। और जो बच्चा वीडियो को देख रहा है ईमानदारी से, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ भी पीछे कराया था मैंने, करके जो है मुझे सभी से सेंड करो कमेंट बॉक्स में, याद से बताना जरूर। नेक्स्ट 29 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ द टू जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल दिस आर देन फाइंड द थर्ड जीरो। आपको पता है जो आपका जो ये है डिवीजन एल्गोरिथम है वो डिलीट हो चुका नहीं रहा ठीक है, तो ये उससे होता था, लेकिन तब भी मैंने इसको यहाँ पर इसलिए रखा क्योंकि आपको पता है अब आपके क्या आ रहे हैं, अब आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो जीरोज का मतलब ये होता है कि वैल्यू पुट करने पर आंसर जीरो आ जाए है ना। तो आप बिना एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम के भी डायरेक्ट बता सकते वैल्यू पुट करके किसका जीरो निकल के आएगा। तो आप एक काम करो ना, वैल्यू पुट करना शुरू कर दो, वैल्यू पुट करके देख लो जो है, एक काम करो वैल्यू पुट करो, टू पुट करके देख लो। तो अगर मैं यहाँ पर टू पुट करता हूँ कितना आएगा, टू की एट आएगा माइनस में थ्री इन टू का स्क्वायर फोर हो गया, माइनस बारह दूनी चौबीस हो गया और प्लस 36 हो गया ठीक है। तो आठ माइनस में चार थी बारह माइनस में चौबीस प्लस 36 ठीक है, कितना आएगा ये
आठ माइनस में 36 ये जीरो नहीं होगा है ना, तो ये तो होगा नहीं, आप काट दो, वन चेक करो, एफ इंटू वन पे चेक करते हैं, वन माइनस में थ्री है ना, और माइनस में 12 प्लस में 36 ये भी नहीं होगा, वन भी काट दो, या तो फोर होगा या थ्री होगा, थ्री पे चेक कर लेते हैं, तो थ्री पे चेक करते हैं फंक्शन के, तो 27 निकल के आएगा, तीन तीन 27 और थ्री तीन तीन होते 27 आएगा, माइनस में 12 तीन 36 आएगा और प्लस में 36 यस, ये खत्म, ये खत्म, कितना आ गया, जीरो निकल के आ गया। तो हम डायरेक्ट बता सकते थे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हमें नीड नहीं करने की, ये आपके वैसे सिलेबस में भी नहीं है, तो लेकिन आप वैल्यू पुट करके जो जीरो आ जाए उसको जीरो, जीरोस का मतलब क्या होता भाई, जीरोस का मतलब ये होता कि हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे पॉलीनोमियल तो जीरो निकल के आएगा, तो मैंने चेक कर लिया, इसलिए मैंने जो है क्वेश्चन को रखा था कि आपको अगर बाय चांस किसी एग्जाम वगैरह में आ जाए तो आप कर लो। नेक्स्ट चल 30 आपके स्क्रीन के ऊपर, द ग्राफ ऑफ द पॉलीनोमियल इज गिवन बिलो, फाइंड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ग्राफ दे रखा है तो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताना क्या होगा, ये कट कर रहा है यहां पर और यहां पर, जीरोस के आ गए, आपका अल्फा आ गया माइनस का 1 और बीटा आ गया 3, क्या होता है एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस 1 प्लस में 3 इनटू पर एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 1 इनटू पर 3, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में है ना 2 आ गया ये एक्स और माइनस में 3, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जीरोस निकलते हैं हम लोग, अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद होगा तो आप आराम से वैल्यू को निकाल सकते हो। नेक्स्ट 31 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, फॉर द पॉलीनोमियल दिस फाइंड द डिफरेंस ऑफ जीरोस, आपको जो है डिफरेंस ऑफ जीरोस निकालने हैं, कहने का मतलब क्या है, आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना है, आपको क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा, और आपको पता है मैंने कहा था आपको या तो अल्फा प्लस बीटा पता है या फिर अल्फा इंटू बीटा पता है, आप ये अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालो, टेंशन की बात नहीं है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर है ना, और उसके आता है माइनस में 4 अल्फा बीटा, जैसे वो था प्लस वाला माइनस में, ये चीज़ आपको याद रखना, मैंने कहा था ना यूज़ होगा आगे भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या हो गया, अल्फा माइनस में बीटा का होल स्क्वायर हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, बी कितना होगा नीचे आएगा, ये हो गया 3 है ना, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, तो माइनस बी तो 3 हो गया, ए कितना आ गया 1/2 को रेसिबल करो 2 कितना आएगा 6 निकल के आएगा, और ये होगा सी अपॉन ए, तो 2 × 2 कितना हो गया 4 निकल के आ गया, तो आएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 6 आ गया, 6 का स्क्वायर माइनस में ये आ गया 4 × 4 आ गया, सही है, तो हो गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 36 माइनस में 16, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया 20 निकल के, तो आ गया आपका अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 20 को 2 × 4 = 4/20, ठीक है, तो आ गया इतना अल्फा माइनस बीटा आ गया आपका प्लस माइनस 2√5, ठीक है, तो ये डिफरेंस निकालना था प्लस माइनस 2√5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आप जो है आप सभी जो है इन सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे है ना, जो एंजॉय कर रहा है सेशन को लाइक करते चलना, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप इसकी PDF जो है आप भेजूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन 32 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो गेट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना, कह रहा है कि हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करें, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें से क्या घटाएं कि ये पूरा डिवाइड हो जाए, तो डिवाइड करके निकालना पड़ेगा आपको, तो 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 2 है ना, तो 4x की पावर 4 माइनस में 2x की पावर 3 माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 5, ठीक है, तो 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से करेंगे तो आएगा 4x की पावर 4 है ना, फिर 2x स्क्वायर को इससे करेंगे कितना आएगा प्लस में 2x की पावर 3, सही है, और ये आएगा आपका कितना माइनस में 4x स्क्वायर निकल के आएगा, सुंदर से लाइन खींचेंगे इस तरीके, माइनस माइनस और प्लस, ये खत्म, माइनस का 4x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 5, अब 2x स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 2x से तो आएगा आपका कितना माइनस का 4x की पावर 3, अब माइनस 2x को करेंगे कितना आएगा माइनस 2x का स्क्वायर माइनस में कितना आएगा 4x निकल के आएगा, सही है, और नहीं माइनस वो नहीं प्लस का 4x आएगा, अब कितना आएगा ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया है ना, और ये माइनस हो गया, खत्म, और ये भी खत्म, कितना बचा अपने पास माइनस का 3x माइनस में 5, ये एक्स्ट्रा निकल गया, इसमें मतलब क्या ऐड करें, व्हाट नहीं क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या घटाएं इसमें से, इसमें से हम क्या घटाएं, तो इसमें से हमें जो है ये घटाना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, माइनस का 3x माइनस के 5 को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो जो है आपका जो है रिमाइंडर, जो डिवीजन जो है रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, एग्जैक्टली डिविजन ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तो हमें इसे जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अगर रिमाइंडर 6 आता मान लो है ना, सही है ना, ये है या फिर ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ए होगा डी होगा, अगर मान के चलो मैंने बोला कि क्या घटाऊं है ना, तो एग्जैक्ट हो जाता 3 × 5 = 15 2 आया, तो यही घटाते ना, हाँ ये घटा, ठीक है सही है,
तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ चलते नेक्स्ट 33 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन 33 कह रहा हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 दे रखा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको 24 दे हुआ, ठीक है, और आपको पता से ब्रेक कर सकते हैं कि इसमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होगा 24, बता रहा मैंने आपको, है कि नहीं। और आपको पता अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा बीटा होगा माइनस का बी अपॉन पे ए कितना होगा, ये हो गया, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन पे, तो 4 अपॉन में ए कितना हमारे पास के निकल के आतेगा। बात समझ में आई? यस, बिल्कुल आ गई होगी। अब आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस 4, तो माइनस 4 अपॉन पे के का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू हो गया 4 अपॉन पे के इज इक्वल 24 निकल के आ गया। 16 अपॉन पे के का स्क्वायर माइनस में 8 अपॉन पे के इज इक्वल 24 निकल के आ गया। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपको के का स्क्वायर, तो आएगा 16 माइनस में 8 के इज इक्वल 24 आ गया। तो यहाँ पर आएगा 16 माइनस में 8 के इज इक्वल टू 24 के का स्क्वायर। 8 कॉमन कर लो, कितना आएगा 2 माइनस में के इज इक्वल टू आ गया आपका 24 के का स्क्वायर, तो 8 तीन 24 हो गया, तो आ गया 3 के का स्क्वायर प्लस में के माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गए क्वाड्रेटिक, सॉल्व करें, माइनस 2 आना चाहिए वैसे और आना चाहिए 1, नहीं माइनस सिक्स और 1, तो 3 माइनस 2 है ना, और 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो आएगा 3 के का स्क्वायर प्लस में 3 के माइनस में 2 के माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। कॉमन करो, 3 के कॉमन करेंगे आएगा के प्लस में 3 के प्लस में 1, माइनस 2 कॉमन करेंगे आएगा के प्लस में 1 निकल के इक्वल टू 0, ये सेम हो गया। तो आगे के प्लस में 1 निकल के आएगा और 3 के माइनस में 2 इक्वल टू 0 निकल के आएगा। तो यहाँ से कितना है, यहाँ से के आ गया हमारे पास माइनस का 1, और यहाँ से कितना आएगा के निकल के आ गया 2 अपॉन बाई 3, तो 2 अपॉन बाई 3 भी है और माइनस 1 भी है, तो बोथ बी एंड सी दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको अच्छे से करना है इसे। जब कभी भी आपको अल्फा स्क्वायर ऐसे दिखाई देना, आपको ऐसे ही ब्रेक करना पड़ेगा, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी और समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट 34 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस देन इन सब में से कौन सी वैल्यू सही होगी। कह रहा है यहाँ पर क्या, 4x² माइनस में 5x माइनस 7 आपको दे रखा है, अब आपको बताना है क्या सही होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 4 आना चाहिए, वैसे आना चाहिए माइनस का 5, ठीक है, तो आएगा माइनस का, ये निकल जाएगा इसमें, आएगा निकल से नहीं आएगा, इसमें जीरोज निकल के नहीं आएंगे ना, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये आपको निकाल के ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है, आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जीरो में कैसे निकलेंगे नहीं, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने माइनस 4 आ जाए, नहीं होगा ना, नहीं होगा, माइनस 4 इंटू 1 होता है वो खत्म हो जाए, ठीक है, तो आपको जो इसको पूरा निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। कहने वाला क्या है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालो कितना हो गया, वो हो गया माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का माइनस 5 अपॉन ए कितना है 4, तो आ गया आपका 5 अपॉन 4, और अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास सी अपॉन ए, माइनस 1 अपॉन में 4 निकल के आ गया, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया हम लोगों ने अल्फा, और ये निकाल लिया। अब चेक करना स्टार्ट करते हैं, पहले ये चेक करते हैं, ठीक है, इसे चेक करते हैं, पहले बी चेक करते हैं, तो आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, वो लिख सकते हैं अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा, ये आ गया अपने पास 25 अपॉन पे 16 मान प्लस हो गया 2 अपॉन पे 4 हो गया ना, तो ये हो जाएगा अपना कितना 25 प्लस में 4 दुनी 8 अपॉन पे 16 जो क्या गया 33 अपॉन पे 16, तो ये तो सही है, ये तो सही है, इसे और चेक कर लेते हैं, है ना, इसे और चेक कर लेगा, दोनों सही है तो ऑल ऑफ दिस है, वरना फिर एक ही सही होगा। सी चेक करते हैं, ठीक है, सी पे चेक करते हैं, तो बीटा वन जब बीटा अल्फा जो अल्फा अल्फा बीटा कितना होगा माइनस 5 आना चाहिए, तो अल्फा बीटा कितना हमारे पास 5 अपॉन पे 4 और अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास माइनस 1 अपॉन पे 4, इससे खत्म कितना आ गया माइनस का 5, यस क्या आएगा आंसर, ऑल ऑफ दिस निकल के, ये भी अपने आप सही होगा क्योंकि हमने सब निकाल के चेक कर लिया, दो सही है तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ दिस ही आंसर निकल के आने वाला है। चलते नेक्स्ट 35 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना, इफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पी एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस 4 एंड 2 इज द जीरो ऑफ पी एक्स देन फाइंड द पॉलीनोमियल, क्या होगा। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है ये, इफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस 4, अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो है वो अगर आपका जो इससे डिविजल हो रहा है, अच्छा डिविजल हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक जीरो यहाँ से निकल के आएगा, कितना आ गया एक्स आ गया 4, मतलब अल्फा आ गया आपका 4 और बीटा आ गया आपका कितना 2, आपको पॉलीनोमियल निकालना है, पॉलीनोमियल क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 8 जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट 36 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर,
ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलीनोमियल जी एक्स द कोशेंट एंड रिमाइंडर दिस एंड दिस फाइंड द जी एक्स। और आपको पता है ये आपका एनसीईआरटी का है और ये क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिथम है, तो ये आपको नहीं करना है। और वैसे जो बच्चा करना चाहता है बहुत सिंपल है, आपको पता पी एक्स क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू होता है क्यू एक्स मल्टीप्लाई बाय जी एक्स है ना प्लस में आर एक्स, ये होता है अपने पास। तो आप वैल्यू पुट करके बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो इसका आंसर जो मुझे कमेंट बॉक्स में देना है ना। वैसे अगर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीबीएसई में टॉपिक क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया डिवीजन एल्गोरिथम वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 37 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता वन अपॉन पे अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा निकालना है। क्या करेंगे, यह आएगा बीटा वन जा बीटा प्लस में अल्फा आएगा अपॉन पे अल्फा इंटू बीटा, ठीक करके लिखो से अल्फा प्लस बीटा अपॉन पे अल्फा इंटू बीटा निकल के आ गया। अब आपको पता अल्फा प्लस बीटा कितना होता है सी ए माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना वन अपॉन ए कितना वन, तो माइनस वन निकल के आ गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना सी अपॉन ए, वन अपॉन वन कितना वन निकल के आ गया, तो आ गया माइनस का वन अपॉन वन आ गया आपका माइनस का वन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है 38 ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल देन अ पॉलीनोमियल हैविंग दिस जीरोस, ये अगर जीरोस है पॉलीनोमियल तो क्या आंसर निकल के आएगा। आपको पता अगर ये जीरोस है तो पॉलीनोमियल क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब वन अपॉन पे अल्फा प्लस में वन अपॉन पे बीटा सम ऑफ जीरोस, और एक्स फिर आता प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वन अपॉन पे अल्फा इंटू वन अपॉन पे बीटा, ये निकल के आता। ठीक है अब निकाल लेते हैं, तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा अपने पास बीटा प्लस में अल्फा अपॉन पे अल्फा इंटू बीटा इंटू पर एक्स, और प्लस हो जाएगा वन अपॉन पे अल्फा इंटू बीटा। और आपको पता है यहाँ से निकाल सकते अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस पी निकल के आएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया सी अपॉन ए क्यू निकल के आएगा, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा माइनस का पी अपॉन पे अल्फा इंटू बीटा कितना है क्यू निकल के आएगा, इंटू पर आ गया आपका एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा वन अपॉन में क्यू निकल के आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में पी अपॉन पे क्यू एक्स है ना, और प्लस में वन अपॉन में क्यू निकल के आ गया इक्वल टू कितना हो गया जीरो। सही है तो हम अगर से करना चाहे सही से, ठीक है तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना आएगा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में वन, है ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं यार, एक मिनट मुझे चेक कर दो, अल्फा इंटू बीटा जो है आपका क्यू होगा, ठीक है यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा आपका निकल के, सही है हाँ, तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में वन यही आएगा, ये मेरे ख्याल से गलत हो गया, ठीक करो आप इसे, यहाँ पर पी होना चाहिए था है ना, यहाँ पी होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक कर लेना से, ठीक है कितना आएगा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में वन, इसका आंसर निकल के आएगा, सही है चेक कर लेना से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 39 ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल देन आपको निकालना है अल्फा प्लस वन इंटू पर बीटा प्लस वन की वैल्यू निकालने कितने निकल के आएगी, ठीक है और आपको पता से ठीक करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस में पी एक्स माइनस पी माइनस सी है, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में पी एक्स माइनस वन कर लो पी प्लस सी निकल के आएगा, ठीक है और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आई थिंक, इसको सॉल्व करें कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस वन है ना और प्लस में वन इंटू बीटा प्लस में वन निकल के आएगा, तो अल्फा बीटा प्लस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में वन निकल के आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है अल्फा इंटू बीटा होता है अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन पे, तो माइनस का पी प्लस में सी ये अल्फा इंटू बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा हो गया बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी कितना माइनस का पी अपॉन ए कितना का वन हो गया, सही है तो ये आ गया आपका माइनस का पी प्लस में सी और अल्फा प्लस बीटा आ गया प्लस में पी और आ गया आपका कितना प्लस में वन, सही है तो इक्वल टू कितना होगा हमें निकालना है, तो हमारे पास क्या है इससे ये खत्म माइनस का पी माइनस सी और प्लस में पी और प्लस में वन इससे खत्म हो गया, कितना आ गया आपका वन माइनस सी निकल के आ गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सेम था लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन अलग थे इसलिए क्वेश्चन को दोबारा रखना पड़ा। नाउ 40 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ओके 40 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40, ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ द पॉलीनोमियल दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलीनोमियल से ग्राफ दे रखा हमें, ठीक है और हमें बताना कि ए और बी और सी कैसे कैसे होंगे, जीरो छोटा कौन होगा, ए बी कैसा होगा, सी कैसा होगा। अब ध्यान सुनो, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लॉजिक है इसमें, ध्यान सुनो। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ना ऊपर की तरफ खुल रहा है, और आपको पता है अगर ए हमारे पास जीरो से बड़ा होता है तो ऊपर की तरफ खुलता है, इसका मतलब पहली बात तो निकल के आ गई ए जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब ए जीरो से बड़ा होना चाहिए या तो ये होगा ऑप्शन या फिर ऑप्शन नंबर जीरो छोटा जीरो छोटा जीरो
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बट मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा बरस में आए काम आएगा, ठीक है। तो ए जीरो से बड़ा हो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपको इतना पता है ये जो हमारे पास क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या हमारे पास एक्स ही क्वांटिटी होती है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। आपको क्या बोला गया है, हमारे पास एक्स के एक जीरोस दे रखा है ना, आपको क्या है ये जीरोस दे रखा है ना, ये जीरोस है ना भाई, ये क्या है पॉइंट दे रखे हैं आपको, है ना। और ये क्या है हमारा, कहाँ लाई कर रहा है पॉइंट, ये लाई कर रहा है पॉइंट एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है ये पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस बी अपॉन पे टू ए जो है वो जीरो से बड़ा होगा, ये बात क्लियर हो, ध्यान सुनना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई ये जो पॉइंट है ये पॉइंट लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स की वैल्यू होती है चेक करो वो पॉजिटिव होता है भाई, वाई नेगेटिव होता है ना, एक्स तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये वैल्यू जीरो से बड़ी आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू जीरो से बड़ी है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, और जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, ये 11th में पढ़ाऊंगा, लेकिन ध्यान रखो जैसे ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा तो आ गया बी अपॉन पे टू ए, साइन घूम जाएगा जीरो निकल के आ गया, ठीक। अब क्या हुआ ये टू जगह वहां जीरो हो गया, तो बी अपॉन पे ए जो है वो लेस देन जीरो निकल के आ गया। अब एक बताओ ए जीरो से बड़ा है, मतलब ए पॉजिटिव वैल्यू, और अगर इस पूरे वैल्यू को, इस पूरे वैल्यू को अगर आपको जीरो से छोटा होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ ए तो आपका पॉजिटिव है भाई, ए तो पॉजिटिव है, और अगर इसको जीरो छोटा है इसका मतलब क्या हुआ, बी जो है आपका जीरो से छोटा निकल के आएगा, ठीक है। तो आपका ए जीरो से बड़ा है और बी जीरो से छोटा है। और सी कैसे निकालते हैं, सी निकालने का आसान तरीका ये होता है, वो पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आपको पता है एक्स क्या होता है, जीरो होता है। इस पॉइंट पी पे बात करूं मैं, एक्स जीरो, इसको वाई भी मान सकते हैं, तो वाई इक्वल टू आ गया, ये जीरो आ गया, प्लस में ये भी जीरो आ गया, और प्लस में कितना गया, सी निकल के आ गया, तो वाई इक्वल टू सी निकल के आ गया, मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब यहां से लेकर जो ऊपर जो भी वाई कोऑर्डिनेट है वो सी के बराबर है, तो जाहिर सी बात है यार ऊपर की तरफ जा रहा है सी, तो यहां पर क्या, सी पॉजिटिव निकल के आएगा, तो सी जो है वो जीरो से बड़ा निकल के आएगा। ए जीरो से बड़ा है, बी जीरो छोटा है, और सी जीरो से बड़ा है बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बहुत ध्यान समझने वाली बात है, दोबारा सुनना है चीज को, नहीं आया नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, इसको ध्यान सुन लो, चीज समझ में, ध्यान सुनना, इसको ऐसे करेंगे। अब आपको पता है पहली बात तो क्या है, नीचे की तरफ खुल रहा है, इसका अंदर क्या है, ए जो है वो जीरो से छोटा होगा, ठीक है। अब ए जीरो छोटा होगा है ना, या तो ये ऑप्शन तो कर गया, डी तो खत्म काट दो, तो ये सही होगा, ये सही, ये सही होगा। अब चेक करते कैसे, अब आपको एक पता है, अब आपने क्या करा, ये पॉइंट ले लिया एक्स वाला पॉइंट, मान चलो ये वाला पॉइंट ले रहा हूं मैं, ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ, अब इस वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट में जो एक्स है वो कैसा होता है, एक्स होता है नेगेटिव, इसका मतलब माइनस का बी अपॉन पे टू ए जो है वो नेगेटिव है, जीरो छोटा है, साइन को हटाओ तो हो जाएगा बी अपॉन पे टू ए जो है वो जीरो से बड़ा निकल के आएगा, और टू गया तो बी अपॉन पे ए जो है जीरो से बड़ा है। अब ए जो है नेगेटिव है, मतलब ए माइनस में है, अगर ए माइनस में है और इस टर्म को, पूरे टर्म को जीरो से बड़ा होना है, इसका मतलब ऊपर भी माइनस होना चाहिए तभी जाके माइनस प्लस करके पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब बी शुड बी नेगेटिव, बी भी जीरो छोटा होगा, ए जीरो से छोटा होगा। सी की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, इस पॉइंट पे चेक करो, इस पॉइंट पे पी पॉइंट मान लिया मैंने, इस पॉइंट पे आपका एक्स जीरो होगा, इसका मतलब वाई कितना आएगा, वाई निकल के अगेन सी निकल के आएगा, तो वाई इक्वल टू सी का मतलब ये हुआ अगेन सी कैसा पॉजिटिव है, तो सी की वैल्यू जीरो से बड़ी है, मतलब ए जीरो से छोटा है, बी जीरो से छोटा है, लेकिन सी जीरो से बड़ा है, सी जीरो से बड़ा, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। नाउ चलते नेक्स्ट 42 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ द पॉलिनोमियल दिस इज डिविजिबल बाय दिस देन ए इंटू बी, क्या निकल के आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है अगर हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है वो उसको इससे डिवाइड कर रहा है तो ए इंटू बी क्या निकल के आएगा, मैंने कहा था ना यूज करूँ डिवाइड वाला, डिवाइड करके ही निकलता है ये, तो आपको पता डिवाइड करो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी है, डिवाइड करने के से ए एक्स की पावर 3 प्लस में बी एक्स माइनस में सी, इस तरीके से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं ए एक्स से करूँगा तो आएगा ए एक्स की पावर 3, और फिर ए एक्स को इससे करूँगा आएगा ए इंटू बी एक्स स्क्वायर, और फिर आएगा इसका प्लस में ए सी एक्स निकल के आएगा, लाइन खींचेंगे माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया, इसको अलग कर दो एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का ए बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आएगा प्लस में बी एक्स माइनस में ए सी एक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है, उतार लो से माइनस का सी। अब एक्स स्क्वायर को माइनस के ए बी से करेंगे तो माइनस का ए बी एक्स स्क्वायर निकल के आएगा, और माइनस ए बी को प्लस बी सी से बी एक्स से करेंगे तो आएगा कितना, माइनस का ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आएगा ना, चेक करो सही है, हाँ ए बी स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है, ए बी स्क्वायर निकल के आएगा, और फिर उसका क्या होगा अपने पास
माइनस ए बी को प्लस सी से करेंगे तो माइनस का ए बी सी निकल के आएगा। लाइन खींचेंगे, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, देखो ये खत्म हो गया। अब देखो क्या बना, ये अब क्या बना, देखो ध्यान से, ए बी स्क्वायर एक्स आएगा ना साथ में, एक्स तो ना, ठीक है, एक्स है ना ए बी, और इसको करेंगे बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया, एक्स आ गया। अब ध्यान सुना, अब एक्स वाला ये मैं इसे ठीक कर रहा हूँ, तो आएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर एक्स प्लस में बी एक्स माइनस में ए सी एक्स और प्लस में ए बी सी माइनस सी, ठीक है, इक्वल टू कितना रिमाइंडर जीरो आएगा ना, रिमाइंडर जीरो क्यों आएगा बता रहा हूँ अभी, क्योंकि इसने बोला ना एग्जैक्टली डिविजल है, इस डिविजल हो रहा है ना, डिविजल हो रहा मतलब रिमाइंडर जीरो आपका। तो आएगा अपने एक्स कॉमन कर लो, एक्स कॉमन करेंगे कितना आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस में बी माइनस में ए सी निकल के आएगा, और प्लस में यहाँ पर सी कॉमन कर लो, आएगा आपका ए बी माइनस में वन निकल के आएगा, सही है। इक्वल टू कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं हम जीरो एक्स प्लस में जीरो लिख सकते हैं, लिख लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इसी तरीके से करते हैं। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो हम जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो प्लस वो लिखते हैं, मतलब सारे एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में जीरो हैं और कॉन्स्टेंट में जीरो है। अगर मैं कंपेयर करूँ, यहाँ पर कंपेयर करूँ तो ये बराबर में जीरो और ये बराबर जीरो, इसका मतलब ए माइनस ए बी माइनस वन इक्वल टू जीरो हो गया। तो ए बी पूछा कितना आ गया, प्लस का वन निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात आई होप आपको समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आपने क्या करा, इक्वल टू जीरो आ गया, हम डायरेक्ट जीरो नहीं लिखते, जब भी हम लोग यहाँ पर पॉलीनोमियल डायरेक्ट जीरो लिखते हैं, उसको पॉलीनोमियल के फॉर्म पे लिखना पड़ता है, तो जीरो एक्स प्लस जीरो लिखेंगे, फिर कंपेयर करके यहाँ पर निकालते थे ना, रिमाइंडर था ए एक्स प्लस बी दे रखा था हमने, फिर रिमाइंडर कंपेयर किया था ए की वैल्यू एक्स के साथ है, ऐसे यहाँ पर जीरो एक्स प्लस जीरो करना पड़ेगा, और आपको ए बी की वैल्यू पूछी थी, तो हमने क्या करा, सिर्फ कॉन्स्टेंट पार्ट को इक्वेट कर लिया इस वाले पार्ट को, ठीक है, इस वाले पार्ट को दोनों को, तो अपना काम बन गया, सही है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, सी मल्टीप्लाई हो गया ना अपना, तो सी वहाँ जाकर जीरो हो गया, ए बी आ गया, वन निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट 43 है आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ वन रूट ऑफ द पॉलीनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन द वैल्यू ऑफ के, बताया था आपको मैंने, अगर एक अल्फा है दूसरा कितना आएगा, वन अपॉन पे अल्फा है, ठीक है, तो आपको निकालना है कि के की वैल्यू क्या होगी। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपके सी अपॉन पे ए, तो आ गया आपका कितना कट के, वन इक्वल टू के अपॉन फाइव, और के कितना आ गया, फाइव निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द बी इज द राइट आंसर। 44, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल दिस देन इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें निकालना वन अपॉन पे अल्फा स्क्वायर प्लस में वन अपॉन बीटा स्क्वायर निकालना है, वो करो तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर अपॉन पे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मैंने कहा था उसको क्या तोड़ेंगे, इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में टू अल्फा बीटा अपॉन पे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन पे ए, और अल्फा इंटू बीटा हो गया सी अपॉन पे ए, निकल के वैल्यू पुट कर दो, आ गया आपका माइनस बी अपॉन पे ए का होल स्क्वायर माइनस में टू इंटू अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन पे ए निकल के आ गया, अपॉन पे सी अपॉन पे ए का होल स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से, सही है। तो b का स्क्वायर अपॉन पे a का स्क्वायर माइनस में 2c अपॉन पे a अपॉन पे c स्क्वायर अपॉन पे a स्क्वायर निकल के आ गया, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस में 2ac 2ac अपॉन पे a का स्क्वायर, क्रॉस मिला और एलसीएम कर दो, c का स्क्वायर आ गया इस तरह से खत्म, क्योंकि आ गया आपका b स्क्वायर माइनस में 2ac अपॉन पे c का स्क्वायर निकल के आ गया, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर b इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 45 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलीनोमियल दिस सो दैट 3 इज द जीरोस, 3 जीरोस होने के लिए क्या ऐड करूं मैं से, 3 जीरोस होना चाहिए, एक काम करो x के लिए 3 पुट करके देखते पहले ना कितना कम पड़ रहा है, तो 3 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 3 प्लस में 4, ये आ गया आपका 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 15 प्लस में 4, 9 4 13 माइनस में 15 आ गया माइनस का 2, तो माइनस 2 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, प्लस में 2 जोड़ेंगे ना, क्या जोड़ना पूछा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, व्हाट शुड बी एडेड। नेक्स्ट 46 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, A quadratic polynomial, the sum of whose zeros is 0 and one zero is 3. तो कह रहा अल्फा प्लस में बीटा देखा आपको 0 है ना, अल्फा प्लस बीटा देखा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम ऑफ whose zeros दे रखा एंड वन जीरो 3 दे रखा और एक 0 3 दे रखा है ना, अगर एक 0 3 है तो दूसरा कितना आएगा, माइनस 3 आएगा ना, अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका 0 निकल के, अगर अल्फा दे रखा 3 अल्फा दे रखा 3 तो बीटा कितना आ गया, बीटा आ गया माइनस का 3 निकल के है ना, अब निकालो फटाफट से, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 3 प्लस में माइनस का 3 0 ही हो जाएगा, तो एक्स अल्फा इंटू बीटा तो आएगा प्लस में 3 इंटू माइनस का 3 है ना, इस तरीके से, तो एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो गया माइनस में 9, तो ऑप्शन नंबर
इज द राइट आंसर. बहुत इजी क्वेश्चन. नाउ चलते नेक्स्ट 47 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर. बहुत इजी क्वेश्चन. इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल दिस आर 3 एंड माइनस 3 तो तीसरा जीरोस क्या होगा. तीसरा जीरोस निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है. बहुत लंबा प्रोसेस है. आप वैल्यू पुट करके देखो डायरेक्ट. ठीक है वैल्यू पुट करो डायरेक्ट. माइनस वन चेक करो. माइनस वन आएगा प्लस में वन आएगा प्लस में नाइन माइनस में नाइन कट 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 कितना जीरो. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. बहुत सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन 48 लास्ट क्वेश्चन है ये. x प्लस टू जो है इसका फैक्टर भी है और a प्लस बी दे रखा 4. फैक्टर का मतलब क्या होता है रिमाइंडर जीरो आएगा. तो x की वैल्यू आप निकालो माइनस का 2. यहाँ पुट करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में a मल्टीप्लाई माइनस का 2 प्लस में 2b इक्वल टू 0 निकल के आएगा. 4 माइनस में 2a प्लस में 2b इक्वल टू 0 निकल के आएगा है ना. और हम 2 कॉमन कर लेंगे. 2 माइनस में यह आएगा a प्लस में b इक्वल टू कितना गया 0. हम बोल सकते हैं 2 माइनस में a प्लस में b कितना गया 0 निकल के आ गया. तो a हो जाएगा बराबर में 2 प्लस में b. सही है. अब a के लिए यहाँ पुट कर दो. तो 2 प्लस में b इज इक्वल टू 4. 2b इज इक्वल टू 4. b कितना गया 2 निकल के आ गया. b 2 निकल के आ गया. अरे क्या हो गया. नहीं 2 आएगा ना 2 आएगा. b निकल के आ गया 1. b 1 आ गया कितना गया a आ गया निकल के 2 प्लस में 1. तो a आ गया आपका 3. तो a 3 है और b 1 है. तो a 3 है और b 1 है. मतलब ऑप्शन नंबर b इज द राइट आंसर. और इसी तरीके से फिर हमारा यहाँ पर खत्म होता है पूरे के पूरे 48 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर करा. आपको पता है यह सेकंड चैप्टर में जो ना आपको केवल दो एक्सरसाइज करनी है. 2.1 करनी है और 2.2 करनी है. तो बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज में से 50 के आसपास क्वेश्चंस निकालना है ना. अब इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं आएगा और इससे ज़्यादा पढ़ने की नीड भी नहीं है. इससे ज़्यादा करने की नीड भी नहीं क्योंकि आपको पता है केवल दो एक्सरसाइज छोटी सी आ रही है और सारे यही क्वेश्चन बनेंगे. इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ. तो वीडियो को ध्यान से देखो समझो उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी. अपने सारे फ्रेंड में इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उनका भी इसका फायदा हो सके. और जितना हो सके अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि लाइक अगर हम देखते ना तो इससे कुछ प्रॉफिट नहीं होता बट इससे क्या होता है हमारा उत्साह बढ़ता है कि बच्चे देख रहे हैं पसंद कर रहे हैं और वीडियो बनानी चाहिए. तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना. चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा यार अभी भी वीडियो देखने के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को लेके. जब तक इसे फिनिश कर लो मुझे बताना जरूर वीडियो कैसी लगी. तब तक के लिए हरे कृष्णा.